जय हिंद दोस्तों, आप सभी को उन लोगों को बधाई जो कि एनकाउंटर से बहुत खुश हैं। विकास दुबे एनकाउंटर से बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत से गरीब लोग थे, कम से कम 10 गांव थे जो उसके चंगुल से छूट गए, आजाद हो गए, वहां पर आज खुशी का माहौल है। लेकिन कुछ हिस्से में देश के बहुत गम का माहौल है। उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस उनके मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा। जब दुबे को पकड़ा नहीं जा रहा था, जब पुलिस कोशिश कर रही थी पकड़ने की, तो लोग कह रहे थे, कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट किया था, शायद अब वो डिलीट कर दें ट्वीट, ठीक है। कुछ ऐसे सांसद कह रहे थे कि योगी सरकार नाकारा है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि उनके संबंध हैं, फलाना है, ढिकाना है। अब जब उसे पकड़ के उसका एनकाउंटर हो गया, या अकस्मत करना पड़ा या फेक एनकाउंटर, जो लोग कह रहे हैं कुछ भी हो, जो एनकाउंटर है ना बहुत सही हुआ। उनसे पूछो जाके जो लोग दहशत में रह रहे थे, उनके बीवी बच्चों से पूछो जाके जिन लोगों के उन्होंने घर उजाड़े हैं। आज पुलिस वालों को बारा वही पुलिस वाले हैं जो कोरोना वॉरियर्स आप बोलते हो, जिन्हें जो आपके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आपको लगता है अगर कोई आपके घर पे कोई आपके घर के बंदे को मार दे और आपसे आपको बदला लेने का मौका मिले तो आप छोड़ दोगे उसे? आप वेट करोगे उसे वो जेल में जाए हैं? सरकारी खजाने पे उसे रखा जाए, सरकारी खर्चे पे रखा जाए उसे पकड़ लो, जेल में डाल दो? नहीं, फिर ट्वीट आएगा कि वो नहीं मारा जाएगा क्योंकि तब भी योगी सरकार के संबंध है। और अब भी कुछ लोग जो लोग बोल रहे हैं ना, उनकी बहुत बुरी तरह जली है यार, और वो जलती रहेगी। ये वही लोग हैं जो मोदी सरकार ने जब हमला हुआ था पुलवामा का, तो उन्होंने जब बालाकोट स्ट्राइक किया था तब भी यही सवाल उठाए थे। तो इन लोगों की आदत है सवाल उठाना। लेकिन आज वो लोग बहुत खुश होंगे जो 10 गांव है, और भी जो लोग जो उससे पीड़ित होंगे, जिन लोगों के कब्जे कर रखे होंगे, सब जिन लोगों के घर कब्जे कर रखे होंगे, वो आज बहुत खुश होंगे। आज मैं भी बहुत खुश हूँ एनकाउंटर को। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको खुद नहीं पता होगा वो क्या बोले, क्योंकि जब पकड़ा नहीं गया था तब भी वो यही चीज बोल रहे थे, और आज पकड़ा गया तब भी यही चीज बोल रहे हैं। चाहे वो एनकाउंटर कैसा भी हो, एनकाउंटर को बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं कि उसको लाओ रखो, उसे खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ। आज पुलिस वालों को मारा है, जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये जो लोग खो रहे हैं ना कनेक्शन तब क्यों नहीं पता चले जब उसने एक मंत्री को गोली मारी थी? तब क्यों कनेक्शन नहीं पता चले? तब भी तो वो जेल जाता, छूट जाता। पॉलिटिक्स अगर पावर है उसके तो वो जेल जाता, छूट जाता। जेल जाने का झंझट ही नहीं, क्योंकि ये योगी सरकार है, फैसला ऑन द स्पॉट। और ये पब्लिक को पता था, पहली बार एक ये ऐसा एनकाउंटर था जो पब्लिक को कंफर्मेशन थी कि इसका एनकाउंटर हुआ, क्योंकि पब्लिक को इस बात की खुशी थी और उसे पूरा भरोसा था योगी सरकार पे, ठीक है। जो पब्लिक, मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा, आप लोग अंधे नहीं हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए इस एनकाउंटर का। सपोर्ट अगर जो नहीं करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 80% लोग इसका सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारे लोग जो दहशत में थे, अगर वो फिर जीत जाता फिर छूट जाता उसका दहशत और बढ़ जाता, क्योंकि मंत्री को गोली मार के जब जो बंदा छूट सकता है तो आज पुलिस वालों के बाद भी छूट सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उसका पूरा पब्लिक को पूरा भरोसा था उस पर, और जो उसने किया बहुत अच्छा किया। जो लोग देखो, सीधी सी बात कहूँ, कुत्ते भोंकते हैं सिर्फ करता है। योगी सरकार का कितनी बार ट्वीट आया दुबे को लेकर? आया ट्वीट? नहीं आया ना। सीधा जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाना था, क्योंकि उसे भी पता था, समझ रहे? तभी वो एमपी की तरफ भागा था, यूपी की तरफ नहीं भागा था, ना यूपी में छुपा था, उसे भी पता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब उसे चारों तरफ से पता चल गया कि हर जगह की पुलिस अलर्ट कर दी गई, तो बचना नामुमकिन है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे जो केसेस हो जाते हैं, रखा तो है जिंदा जेल में, क्या हो गया? साइन बाग वाले कितने पकड़े गए, अमर खालिद जी सब पकड़े गए, क्या जिंदा ही तो रखा है इनको? ताहिर हुसैन वगैरह सबको जिंदा ही तो रखा है, क्या पता कर लिया, क्या उखाड़ लिया भाई? हैं, बिल्डिंग अभी भी खड़ी है उनकी, वो खड़ी रहेंगी, उनके नीचे वाले सब पकड़े जाएंगे, उनका ऊपर वाला एक बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, ध्यान रखना। सीधा फैसला ऑन द स्पॉट, मैं तो इसके पूरा समर्थन हूँ 100%। जय हिंद दोस्तों, ऐसी सरकार की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बना दो, पाकिस्तान और चाइना को तो औकात पता चल जाएगी। जो अभी थोड़ा बहुत उछलते भी है ना, वो भी गलती करना भूल जाएंगे, सपने में भी योगी नजर आएगा। वो आज भी आता है, किसी भी सीएम का नाम नहीं लिया जाता पाकिस्तान में, लेकिन योगी का नाम जरूर लिया जाता है, ठीक है। मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, धन्यवाद।